अस्सलाम वालेकुम जी, आज जो मैं स्मार्ट प्रोडक्ट आपके लिए लेके आया हूँ, ये आपके घरेलू पंखे को एक स्मार्ट फैन में तब्दील कर देगा। मैं दो तरह के प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ और पहले वाली जो है वो बहुत हाई क्वालिटी में है, इसकी प्राइस भी ज़रा ज़्यादा है, लेकिन ये एक दफ़ा का खर्चा है, बाद में आपका कोई भी पंखा आपको कल को चेंज भी करते हैं तो ये चलता रहेगा, ये ख़राब नहीं होता। ये इस तरह की फिटिंग में आता है। पहला जो है मैं पहले ही अभी प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, इसको परचेज़ करने का तरीका भी बताऊंगा और मैं लगा हुआ भी दिखाऊंगा। दूसरे वाला भी मैंने नहीं लगाया, ये मैं लगा हुआ दिखाऊंगा। अभी मैं इस्तेमाल इसे कर रहा हूँ, ये ज़्यादा बेटर था इसलिए। ये इसका साथ रिमोट आता है, ये इस वक्त फ़ैन में चल रहा है, ये सेंटर में जो है इसके, ये देखेंगे यहाँ से लाइट भी अगर आपके पंखे में है, ऑन ऑफ़ करने का लाइट अगर लगी हुई है, आप एक्स्ट्रा भी वैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ से ऑन ऑफ हो गई, यहाँ से लो हाई सॉरी मीडियम हाई और स्टॉप। ये इसमें टाइमिंग भी आप दे सकते हैं पंखे को, मसलन आप कहते हैं एक घंटे बाद ऑटोमेटिकली पंखा ऑफ हो जाए, 1 आवर 2 आवर 4 आवर 8 आवर तक आप इसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ पंखे को। ये देखें जी, ये पंखा लगा हुआ है, ये मैं हाई पे स्टार्ट करता हूँ। ये देखें मैंने हाई प्रेस किया है, इसके साथ लाइट भी जलती है जब मैं इसे, ये पंखा ऑन हो गया। अब देखें मैं इसे कहता हूँ स्टॉप, स्टॉप हो गया जी। अब मैं कहता हूँ लो, लो पे पहले तेज़ हो गया, ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। ये देखें ये तेज़ स्टार्ट हुआ है, ये अब स्लो हो जाएगा, ये स्लो पे आ गया, इस पर ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। अब मैं इसे कहता हूँ मीडियम पे ये स्टार्ट हो, अब ये मीडियम पे होगा, ये मीडियम पे चल रहा है जी। अब मैं इसे कहता हूँ स्टॉप हो जाए, ये पंखा रुक गया। मैं अपने दूसरे कमरे में जो है वो लगा हुआ दिखाता हूँ पंखा, यही उसके साथ मैंने लाइट भी अभी फिक्स किया, टेम्परेरली मैंने चेक करवाने के लिए आपको वो फिक्स किया, बाद में मैं उसकी लाइट चेंज करूँगा, ठीक है। वो राउंड में एक लाइट आती है वो लगाऊंगा, आपको वो भी दिखाता हूँ और इसे लगा हुआ भी दिखाता हूँ। पैकिंग इसकी देख लें, इस तरह की पैकिंग में ये आता है, ये इसकी पैकिंग होती है जी। लिंक जो है मैं इसके परचेज़ करने का नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है, वहां से आप परचेज़ कर सकते हैं। देखें जी, ये इस तरह ये फिट भी हो जाता है दीवार पे, ये दीवार पे देखें ये लगा हुआ है वो रिमोट। दूसरे कमरे में भी देखें ये चल रहा है, इसमें लाइट भी फंक्शन कर रही है, ये लाइट मैंने प्रेस किया यहाँ से, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गई, ये ऑफ ये ऑन, ये पंखा हाई पे मैंने किया, ये हाई पे स्टार्ट हो गया। अब मैं इसे कहता हूँ ये स्टॉप हो जाए, ये स्टॉप हो गया, इस पर टाइमिंग भी दे सकते हैं आप देना चाहें तो। इसकी फिटिंग जो है ये जहाँ पे लाइट आपको नज़र आ रही है ये इसकी ऊपर वाली साइड पे होती है। प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस शक्ल में आती है। ये देखें जी, ये इस शक्ल में आता है, ठीक है, और ये अली एक्सप्रेस पे इजीली अवेलेबल है। इसकी प्राइस जो है ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 1100 है, ठीक है, 1100 रुपये में ये आपको पाकिस्तानी रुपये में मिल जाएगा, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी है। जो दूसरा मैं बताऊंगा वो 370 रुपये में मिल जाएगा, वो पाकिस्तानी वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं, ये चाइना से वो आपको डिलीवर करेंगे, लेकिन मेरे नज़दीक ये ज़्यादा अच्छा है, ये 1000 वॉट्स तक उठा सकता है लोड, जो बहुत ज़्यादा है, यानी तकरीबन 150-250 वॉट का ज़्यादा से ज़्यादा पंखा नॉर्मल घरों में जो इस्तेमाल होता है वो होता है, लेकिन ये उससे ज़्यादा जो है वो कैपेसिटी इसका लोड जो है वो बर्दाश्त करता है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। ये इस शक्ल पे जो है वो जो डिवाइस ऊपर लगती है पंखे के वो इस शक्ल में होती है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस शक्ल में। इसकी केबल्स के ऊपर ये पीछे 220 वोल्ट और आगे एक जो है वो वाइट केबल जो है ये न्यूट्रल है, जो समझते हैं उन्हें पता है, ठीक है, ये यानी ये एक बल्ब की है, एक पंखे की तार है और ये दो तारें इसको आ जाएंगी वाइट वाली, कोई ऊपर लिखा हुआ है, ये जो लगी हुई है वाइट
सीस इसके ऊपर टेप इस पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो इजीली आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एंटीने की तार है जो बाहर आ रही है, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है ये, आप इजीली जो है वो इस यहाँ से परचेज कर सकते हैं, और मैं इसका लिंक भी नीचे वीडियो के दे रहा हूँ। तो ये वैसे भी घर में ना लगी हुई ये प्रोडक्ट अच्छी लगती है, जो पंखे फैन में लाइट है नहीं भी है तो आप वैसे भी एक्स्ट्रा लाइट भी इस पर लगा सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी रिलायबल प्रोडक्ट है, आप परचेज कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब उसका दूंगा। बाकी दूसरी प्रोडक्ट के ये है जी, दूसरी प्रोडक्ट जो आपके नॉर्मल फ़ैन को स्मार्ट फ़ैन में तब्दील कर देती है। ये दो तरह के रेगुलेटर्स में आती है, ऑटोमेटिक रेगुलेटर्स हैं ये भी, इनके साथ रिमोट आता है और इनकी प्राइस बहुत कम है। इनकी प्राइस 370 रुपये पाकिस्तानी रुपी में है, ठीक है, बहुत सस्ते हैं, क्वालिटी में उससे कम है जो पहले मैंने दिखाया है, लेकिन ये भी बुरे नहीं हैं। बाकी इनमें एक चाइना फिटिंग में आता है, एक नॉर्मल जो ओल्ड स्विचेस वगैरह होते थे, ओल्ड बोर्ड वगैरह लगते थे उस फिटिंग में आता है। बाकी इसके साथ जो रिमोट है वो भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि वो किस तरह के जो है वो रिमोट आता है। पहले मैं आपको जो है वो रेगुलेटर दिखाता हूँ। इस पे बटन भी प्रेस करने के लिए दिए गए हैं, जहाँ से हाई और लो किया जा सकता है, और ये डिजिट ऊपर नज़र आ रहा है 8 का। यहाँ पे स्पीड शो होती है कि स्पीड तेज़ हो रही है कम हो रही है, यानी जब रिमोट से आप प्रेस करते हैं या वैसे करते हैं मैनुअली। ये रिमोट है इसके साथ, इस पे जो है वो आप देखेंगे लो और हाई का बटन है, ऑन ऑफ है, और इसके अलावा बल्ब अगर पंखे में फंक्शन है ऑलरेडी तो ये बल्ब वगैरह का भी इसमें फंक्शन है। अब मैं बताता हूँ कि आप परचेज़ इसे कहाँ कर सकते हैं, इसका मैंने लिंक नीचे वैसे दे दिया है। पहले मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि ये देखें, ये इसको इस चाइना फिटिंग वाले को इस बोर्ड में इस रेगुलेटर की जगह फिट किया जा सकता है। 4 रंगों में ये अवेलेबल है, गोल्डन, वाइट, ब्लैक, ग्रे, इस तरह जो है ये अवेलेबल है। मैंने वाइट अभी मंगवाया, लेकिन इसके बाद मैं आपको गोल्डन में मंगवा के फिर फिटिंग में भी दिखाऊंगा, और खुद कोशिश करें कि ना फिट करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, शॉक लगने का ख़तरा होता है, इसलिए अभी मैं लगा के नहीं दिखा रहा, लेकिन ये यहाँ फिट हो जाता है और रिमोट से वर्क करेगा। बाकी आए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से इसे परचेज़ किया जा सकता है। ये है जी स्टेट हॉबी वेबसाइट, यहाँ पे ये 370 रुपये में परचेज़ किया जा सकता है। बाकी इसका लिंक मैं नीचे वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसको ये देख लें, 370 रुपये इसकी प्राइस है।